बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान असद अब्बास, आप देख रहे हैं मेरा चैनल असद अब्बास चिश्ती। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे हम मास्क का बिज़नेस कर सकते हैं। ये कैसा बिज़नेस है? क्या हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके बिज़नेस करें, क्या हम यहाँ सर से परचेज़ करके इसको सेल करके इसका बिज़नेस करें? ये क्योंकि आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं माशाल्लाह, ये हर जगह बड़ा ट्रेंडिंग में, हर बंदा इसको परचेज़ करके इसका बिज़नेस कर रहा है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बचत है और कितने पैसे इन्वेस्ट करके हम माना कितना कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सुनाया भाई, खैरियत? ठीक सर, अल्लाह का एहसान। सर तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जकी इम्तियाज है, मैं सीईओ हूँ जकी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जी। और नॉर्मली जो है ना, ये नुमान अहमद खान साहब मेरे भांजे हैं, वो इसको डील करते हैं, वो आपको इंटरव्यू देते हैं, लेकिन आज वो नहीं है, तो इसलिए फिर मैं हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। जी जी, शुक्रिया सर, जी माशाल्लाह। अच्छा सर, ये कैसा बिजनेस है मास्क का? भाई मास्क का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। वैसे ही जो है ना, एक एपिडेमिक है, भी अल्लाह से सबको बचाए, लेकिन बचेंगे तभी जब आप मास्क लगा कर रखेंगे। ये इसका सबसे बड़ा जरिया बचने का ही है, बाकी अल्लाह की ज़ात अपना कर्म करने वाली है। सही। बात ये कि मास्क का काम जो मतलब जो छोटे सरमाया से बिल्कुल कम पैसों से काम करना चाहते हैं ना, उनके लिए बेस्ट है। मेरे इर्द गिर्द वाले जो हैं, वो तो अगर मेरे से रोजाना 20-25 डब्बे भी ले जाएँ, जो कि 2-3 हज़ार रुपये के बनते हैं, शाम को बेच के आ जाएँ, तो इसमें 30-40 रुपये बच जाते हैं। इवन तो कुछ लोग इसको 250 को बेचते हैं, 70-80-90 रुपये, 100 रुपये उनको बच जाते हैं। सही, 30-40 रुपये अगर हम एक शॉप वाले को बेच के हैं तो एक डब्बे में से बच जाते हैं। तो सही सही, मतलब ये बताएं सर हमारे व्यूअर्स को, मुख्तसरी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कि कम से कम कितने पैसों से ये काम स्टार्ट हो सकता है? देखिए जी, अगर तो आप इसको 10,000 रुपये के वहाँ से तकरीबन 60-70 जितने भी डब्बे बनते, अब अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ 70 डब्बे मंगा लेते हैं, ठीक है, तो इसको आप बेचते हैं तो आप अगर आपसे ज़्यादा नहीं, मैं कहता 25 डब्बे भी डेली बेच लेना, तो 1200-1300 रुपये बच जाते हैं। मैं 10,000 रुपये लगा कर बात, मतलब बेटर देन जॉब है, ठीक है, यू आर बिजनेस मैन योर सेल्फ। उसके बाद अगर आप मार्केटिंग कर लेते हैं, 1200-1200 रुपये कमा लेते हैं, तो पाकिस्तान के एक एवरेज पर्सन के लिए ये काफ़ी अच्छी इनकम है। सही, मतलब ये एक छोटे से बंदे के लिए आप बता रहे हैं कि जो आम बंदा जो जॉब 10-15-12 हज़ार की जॉब करता है महीने की, उसे चाहिए कि वो ये छोटा सा काम करे, चाहे ये कुछ अरसे का काम है, इसके बाद ख़त्म हो जाना, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी एक और बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। चिश्ती साहब, अगर वो मार्केटिंग सीख गया, इस वक्त इसकी बड़ी डिमांड है जी, अगर वो मार्केटिंग सीख गया 3 महीने में, वो इंशाल्लाह अगले 3 साल में ही बिग बिजनेस मैन। अच्छा, हाँ, असल चीज़ तो मार्केटिंग है, बनाना कोई चीज़ नहीं है, खरीदना कोई चीज़ नहीं है, अगर मार्केटिंग है और इससे भी बिक्री है, इससे लोगों की डिमांड नहीं है, अगर वो मार्केटिंग सीख जाता है ना, ये आपने ठीक कहा कि चंद ये बिल्कुल थोड़े अरसे का काम है, लेकिन वो मार्केटिंग सीख के कल किसी और चीज़ की मार्केटिंग कर सकता है। सही, तो ये आप बेसिक इसको रख के, अब आप समझें कि आप एजुकेशन ले रही हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ 20-25-30 हज़ार महीना कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह ही है बिल्कुल। अच्छा सर, कोई भी बंदा आप कोई इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो ये कैसा बिजनेस है? कपड़ा कहाँ से, डोरी कहाँ से परचेज करेंगे, मशीन कहाँ से मिलेगी? मशीन तो चाइना से हमने तो इम्पोर्ट की है, वैसे अब जुगाड़ मशीनें पाकिस्तान में बन रही हैं। सही, ठीक है, ये चाइना की मशीन है। आपको इसके अंदर एक और चीज़ दिखा दूँ जी, इसमें 1, 2, 3 ये तीन लेयर बन रही है, इसमें प्लाई ऐसे हुई है, सही सही, 1, 2 और ये 3 जी, ये चलती ही 3 प्लाई पे मशीन का डिजाइन ही ऐसा, जो जुगाड़ मशीन है वो 2 प्लाई भी बना रही है, इवन के सिंगल भी बना रही है। सही, ये मशीन लेकिन सिंगल जो प्लाई बना रहे हैं वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, वो ज्यादती कर रहे हैं जनाब, वो मतलब मैंने इसको मास्क लगाया हुआ, मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं बैक्टीरिया से महफूज हूँ, लेकिन वो वाला मास्क लगाने के बावजूद मैं महफूज नहीं, बल्कि और ज्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ महफूज हूँ, मैं हर एक से करीब हूँ, जैसे भी मैं आपसे करीब होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता मैंने मास्क लगाया, लेकिन असल में मास्क नहीं लगाया हुआ, वो मास्क नहीं है। तो वो मेरी बनाने वाले से भी रिक्वेस्ट है कि यार आप डबल प्लाई बनाओ, ट्रिपल प्लाई बनाओ, जो असल है उसके पैसे लो पूरे। जी जी बिल्कुल, क्यों इस चक्कर में जाते हो कि सस्ते सस्ता बेचना, असल चीज़ बनाओ, ये मतलब ये तो मिलावट है, अगर आप इसको सिंगल प्लाई बनाते हैं, मैं लोगों का मिलावट है। सही, बीमारी फैला रहे हैं, बीमारी मास्क भी लगाया हुआ, बीमारी भी फैल रही है। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि ये मशीन अब हम ये मैन्युफैक्चरिंग का छोटा सेटअप लगाना चाहें तो कितने पैसों से स्टार्ट हो सकता है? ये मशीन तो पहले तो इसकी कीमत काफ़ी हाई थी, लेकिन अब तकरीबन 18-20 लाख की मशीन मिलती है, लेकिन अगर आप यूनिट लगाना चाहते हैं तो हम ये नहीं, अभी आपको दिखाएंगे उसके जो मैनुअल मशीन, असल में इसको हम पत्ता कहते हैं आम जबान में, ये जो चीज़ है मास्क, जो असल मास्क है, ठीक है, इसको आम जबान में पत्ता कहा जाता है। सही, उसके बाद इसको हम ये लास्टिक लगाते हैं, इसको लास्टिक, ये पंच मशीन होती है। सही, तकरीबन 80,000 की इसकी मार्केट में है, अगर किसी को चाहिए हम उसका रब्ता करा देंगे, 80,000 की उनसे ले लें। सही, ये एक दिन में आप घर में बैठ के डबल शिफ्ट में सही 120 से 140 डब्बे तक बना सकते हैं। सही, और आपको टोटल बनाने का 80,000 की मशीन से, 80,000 की मशीन से। और ये कितने का पड़ेगा हमें? ये पत्ता आपको जो है ना, ये डब्बा तैयार करने के बाद ये आपको तकरीबन पड़ेगा 115-120 का
पड़ेगा आज की डेट में, आज ये 7 दिसंबर है जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ये पड़ेगा, और 200 रुपए का आराम से दुकानदार लेता है, सही 80 रुपए बड़े 80-85 रुपए आराम से बनते एक डब्बे से, और एक बंदा एक दिन में 70-75 डब्बे निकाल सकता है। फिर ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है मेरे ख्याल से, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस लिहाज से भी कोई बंदा करना चाहे, अगर किसी भाई के पास कुछ ज्यादा पैसे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर ले, खुद तैयार करके बेचे। अगर जिसके पास कम पैसे हैं, मतलब वो 10,000-12,000 है, जितने भी है, इवन के 5,000 से भी ये काम स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल, जो हमारे नियर बाय वाले हैं वो 5,000 से भी कर सकते हैं, सही ठीक है। पत्ता हम बना हुआ दे रहे हैं, डोरी अगर किसी को चाहिए वो भी हम इसको दे देंगे, सही सही ठीक है। दो ही चीज हमें चाहिए और कुछ चाहिए। सर का नंबर इंशाल्लाह वो डिस्क्रिप्शन में चल रहा होगा, अपना वीडियो में भी चल रहा होगा, आप सर से रब्ता कर सकते हैं। सर अपना एड्रेस बताइए अगर कोई यहाँ विजिट करना आए तो। हाँ जी, हमारा एड्रेस बहुत आसान है, लक्ष्मी चौक लाहौर में हमारी जो है ना ये फैक्ट्री है जी, और हमारा जो एड्रेस है बल्ब वाली फैक्ट्री के नाम से, जो एलईडी बल्ब है उसके नाम से मशहूर है जी। और उसका आसान तरीका है कि लक्ष्मी चौक का जो ओरन ट्रेन स्टेशन बना है जी, उसके बिल्कुल साथ है, स्टेशन पे आप उतरते हैं वहां से हमारी आपको फैक्ट्री नजर आ जाती है। जबकि ग्रुप ऑफ कंपनीज का वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, फोन नंबर आपके पास आएगी आने से पहले, जाहिर बात है मजीद किसी ने एड्रेस समझ ना, फिर भी लोग करते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करें, हम इंशाल्लाह उनको समझा देंगे। सही, तो सर ये इसकी एडवर्टाइज अब हमने ले ली, बना ली, बेचना कैसे, थोड़ा सा आइडिया दे दे सर। एक तो ये कि आप डोर टू डोर जाते हैं शॉपकीपर के पास, उसको सेल करते हैं, मेडिकल स्टोर का बड़ा अच्छा है ठीक है, इसके बाद ऑफिस हैं, एयरलाइन के ऑफिस हैं ठीक है, बड़ी ऑटो शॉप है, यहाँ जितनी भी बड़ी दुकानें हैं हर बंदे की जरूरत है जी, ये वहाँ पर आप जाकर डोर टू डोर जिसे हम सेल करते वो करते हैं। उसके अलावा अगर आपने इसमें अच्छा मार्जिन लेना है तो ई मार्केटिंग करें। ई मार्केटिंग आप किसी भी, मैं नाम नहीं लूँगा, जितनी भी वेबसाइट हैं, 370 रुपये का लगा हुआ डिलीवरी, सही होम डिलीवरी वो 120 रुपये तक वो लगती है, तो 500 रुपये में घर पहुंच जा रहा है। अगर ये 370 रुपये का आप उसमें 3-4 भी डेली भेज लेते हैं ई कॉमर्स के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका 500-700 रुपये घर बैठे बन जाता है, सही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फेसबुक पे भी हो सकती है, फेसबुक पे हो जाए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो जाए, कहीं भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो मतलब 4-5 डब्बे बेचे और 7-8 सौ रुपये आप कमा सकते हैं। ये कम टाइम में एक अच्छी मतलब रीजनेबल कमाई इससे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सही। तो मेरे ख्याल से सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप बिजनेस के हवाले, इस बिजनेस के हवाले? मैं इस बिज़नेस के वाले से ही मैसेज आपको देना चाहूँगा कि अगर आपका सरमाया कम है लेकिन आपके अंदर जज्बा ज़्यादा है, बात मेरी नोट ठीक है, तो ये काम इससे कम पैसे, मैंने भी जिंदगी में बड़े तजर्बात किए हैं, बड़े काम किए हैं, इससे कम पैसों में कोई काम नहीं हो सकता और इसमें किसी किस्म का नुकसान है ही नहीं। ये बिक ही जाएगा जैसे सर, बिकना ही बिकना, प्रॉफिट दे के जाएगा। ये हो सकता है कि आप एक की बजाय 2 दिन में बेच लें, इसमें नुकसान है ही नहीं, सही, फायदा ही है, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, सही, वेरी गुड, अल्लाह करम करेगा जी माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी बिजनेस के हवाले से, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।